दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। यूपीटेट 2019 की परीक्षा जो 22 दिसंबर को होने वाली थी, ठीक है, उसको रद्द कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। सुबह से आज जो है यहाँ पर लगातार अलग अलग प्रकार के न्यूज़ आपको मिल रहे थे, जिसमें आपको बताया गया था कि स्थगित हो सकती है, कुछ ज़िले में स्थगित हो सकती है, बात चल रही है। तो सुबह से वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के न्यूज़ थे, कोई कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन फाइनली यहाँ पर अब अपडेट आ गई है। अभी आप देख सकते हैं 15 मिनट पहले यहाँ पर हिंदुस्तान के तरफ से अपडेट आई है और लगातार आपके न्यूज़ चैनल्स पर चलाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 22 दिसंबर रविवार को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा स्थगित कर दिया गया है, स्थगित कर दी गई है ना, स्थगित हो गई परीक्षा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार अलग अलग जगह से अपडेट्स आ रहे हैं, यूपीटेट 2019 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, ठीक है। तो पूरी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी। एक और अपडेट यहाँ पर अभी तुरंत आया जो आप देख सकते हैं, राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित की जाती है, परीक्षा की नई तिथि जल्द ही सूचित की जाएगी। तो नई तिथि अभी नहीं मिली है, जल्द ही परीक्षा की नई तिथि सूचित की जाएगी। 16,58,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। परीक्षा संपन्न कराने के लिए 1986 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, तो अभी फिलहाल स्थगित कर दी गई है और आगे की डेट अभी नहीं आई है। तो अगली डेट या आगे की अपडेट के साथ आप बने रहिए योर ऑनलाइन पार्टनर के साथ और लगातार अपनी पढ़ाई को अंतिम मुकाम पर दीजिए, जो समय मिला है उसको बेहतर करिए। मिलेंगे हम आपके नए आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।